शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहा था ना मैंने तुझे कि यश के कमरे में मत जाना। कहा था ना मैंने तुझे। ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? माजी, गरम सब्जी खानी थी ना? खा। अरे मम्मी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? यश मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर आपको टाइम लगेगा तो मैं चली जाती हूँ, आप बाद में आ जाना। जब देखो घोड़े पे सवार रहती है। अरे आज यश के घर में अरियन ज्वेलर वाले गहने लेकर आने वाले हैं। तेरी शादी के लिए गहने पसंद करने हैं तो थोड़ा अच्छे से सर सवर के जाना तो बनता है ना। अब खड़ी क्या, चल। अरे वाह, देख बेटा ये कितना सुंदर है। ये तुझे मैं ना फेरों के वक्त दूंगी। मामी जी। नहीं नहीं काकी। अंजलि बेटा तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। नहीं नहीं दादी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों कुछ नहीं चाहिए? अंजलि ये वाला सेट तुम पर बहुत अच्छा लगे। ये वाला सेट बहुत जचेगा तुझ पे। देखो पसंद है ना तुम्हें? आप ही अंजलि के लिए पैक कर दीजिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती। अंजलि तुम जानती हो ना तो चले कि चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। खोली सूरत का फायदा उठाकर उस लड़की ने यश और यशवंती को अपने वश में कर लिया है। आप जरा बच के रहना उससे। तुम कुछ भी बोलती रहती हो कामिनी। बस उसको हर वक्त उसकी औकात में रखने की जरूरत है। देखा नहीं कैसे इतना महंगा सेट माँ जी से खरीदवा लिया उसने अपने लिए। सुन, किचन में मेरा मोबाइल छूट गया है, जरा ले आ। अच्छा किया, वरना पता नहीं क्या सुनता और किसे जाकर क्या कहता ये। Oh,
इतनी देर से पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं दोनों किचन में। गायब कैसे हो गया मेरा फोन? मम्मी, आपका फोन। हाँ ठीक है ठीक है, तू नीचे जाके खेल। अलका भाभी, अब आगे का क्या प्लान है? 45 दिन तो बीत चुके लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। कहीं ताऊजी की भविष्यवाणी गलत तो नहीं हो जाएगी ना? आज तक कभी भी उनकी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। अगर उन्होंने कह दिया है कि यश की शादी जिस लड़की से होगी उसकी मृत्यु 90 दिन में होगी तो जरूर होगी। तो हम निश्चिंत रहे ना, अंजलि 90 दिन के अंदर तो मर ही जाएगी। अगर इससे पहले सबको ये बात पता चले कि हमने अंजलि की 90 दिन में मरने वाली बात सबसे छुपाई है, ये कांड हो जाना चाहिए, वरना हम सब बहुत बुरे फंसेंगे। इसलिए तो मैंने सबसे झूठ बोला कि यश की पहली शादी 90 दिन में टूट जाएगी। अगर सबको सच बता देती कि यश की पहली बीवी 90 दिन में मर जाएगी तो अंजलि से उसकी शादी करने के लिए घर में कोई तैयार नहीं होता। 90 दिन पूरे होने से पहले मरना तो पड़ेगा ही अंजलि को। अच्छा बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। अरे ये किसका फोन ले आया गुलकंद? ये तो मेरा फोन नहीं है, ये लड़का भी ना। मेरा फोन तो यहीं पे रखा है गुलकंद भी ना, बिना पैसे दिए एक काम नहीं करता। अगर अंजलि और यश को पता चल गया कि मैं उनकी बातें रिकॉर्ड कर रही थी तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई ले तो नहीं गया होगा मेरा फोन? कौन ले गया होगा? एक काम करती हूँ, किचन में एक बार और देख लेती हूँ। ऐसे ही प्यार कीजिएगा यशी। बिल्कुल। तुम्हें कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंजलि, मैं रिचा के लिए ना एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज प्लान करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो उसे बहुत खुश कर दे। अब तुम उसके साथ बचपन से हो, बताओ ना मुझे क्या क्या पसंद है उसको, क्या करना पसंद करती है, क्या खाना पसंद करती है, प्लीज। यशी, रिचा देखने में बिल्कुल मॉडर्न लगती है लेकिन दिल से बिल्कुल देसी है। आप जानते हैं उसे स्टेशन के पास वाले छज्जू के गोलगप्पे बहुत पसंद है। और हाँ, जब वो गुस्सा होती है ना तो तड़क भड़क गानों पर बहुत देर तक डांस करती है और उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। हम तो कहते हैं कि आप भी ऐसे एक दो गानों पर डांस सीख ही लीजिए। और सबसे जरूरी, पूर्णिमा की रात को ना उसे राधा रानी कुंड की सीढ़ियों पर बैठकर चांद देखना बहुत पसंद है।
थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। यश जी, रिचा आपसे बहुत प्यार करती है, उसके लिए आप उसकी पूरी दुनिया है। सच कहें तो आपके अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। आप उसका कभी दिल मत दुखाइएगा। कभी नहीं, मैं उसे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। निश्चिंत रहे ना, अंजलि 90 दिन के अंदर तो मर ही जाएगी। अगर इससे पहले सबको ये बात पता चले कि हमने अंजलि की 90 दिन में मरने वाली बात सबसे छुपाई है, ये कांड हो जाना चाहिए, वरना हम सब बहुत बुरे फंसेंगे। इसलिए तो मैंने सबसे झूठ बोला कि यश की पहली शादी 90 दिन में टूट जाएगी। अगर सबको सच बता देती कि यश की पहली बीवी 90 दिन में मर जाएगी, तो अंजलि से उसकी शादी करने के लिए घर में कोई तैयार नहीं होता। 90 दिन पूरे होने से पहले मरना तो पड़ेगा ही अंजलि को। क्या हुआ रिचा, तुझे कुछ चाहिए था क्या? रिचा तू ठीक है ना? रिचा, रिचा, अंजलि, रुक। क्या किया तूने रिचा के साथ? बोल क्या किया? ऐसे रोते हुए क्यों भागी यहां से? बोल। बोल। हमें कुछ नहीं पता बहू जी, यही पूछने के लिए तो हम उसके पीछे भागे थे। एक बात याद रखना अंजलि, बहू जी, अगर मेरी रिचा के रोने की वजह तू हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी, समझी? जाकर देखती हूँ रिचा को क्या हुआ है। बहुत प्यार करती है, उसके लिए आप उसकी पूरी दुनिया है। सच कहें तो
आपके अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। आप उसका कभी दिल मत दुखाइएगा। तो हम निश्चिंत रहे ना, अंजलि 90 दिन के अंदर तो मर ही जाएगी। अगर इससे पहले सबको ये बात पता चले कि हमने अंजलि की 90 दिन में मरने वाली बात सबसे छुपाई है, ये कांड हो जाना चाहिए। मरना तो पड़ेगा ही अंजलि को। तेरा पति नहीं है। और खबरदार जो तूने अपनी सीमा लांघने की कोशिश की है, अगर जरा सी भी शर्म है ना तेरे अंदर तो संभल जा, वरना तू जानती नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, नहीं। क्या हुआ रिचा बेटा? अपने आप को चोट क्यों पहुंचा दी? सॉरी रिचा। अरे उठो। सॉरी भाई, सॉरी। उठ बेटा, उठ। सॉरी भाई, सॉरी। देख रिचा, अंजलि की वजह से परेशान है क्या तुम? देखो अंजलि तो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ तेरी खुशियों के लिए कर रही है। फिर भी अगर तुझे उससे कोई दिक्कत है तो मैं उसे लेकर यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी उसकी वजह से। बस माई, बस अंजलि के बारे में आप कुछ मत बोलो भाई। उठा ले जा। अचानक क्या हो गया है चाकू? रिचा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है बेटा? हाथ मत लगाइए मुझे, दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे। किशोरी तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। क्या हुआ रिचा, तू ऐसे क्यों रो रही है और मुझसे भी ऐसे बात कर रही है? फिर उस अंजलि ने कुछ किया क्या? बता देती कि यश की पहली बीवी 90 दिन में मर जाएगी तो अंजलि से उसकी शादी करने के लिए घर में कोई तैयार नहीं होता। 90 दिन पूरे होने से पहले मरना तो पड़ेगा ही अंजलि को। क्या ये सच है कि अंजलि शादी के 90 दिन के अंदर मरने वाली है? बोलो मम्मी, क्या ये सच है? हाँ ये सच है। क्या हो गया चुरीचा?
रिचा ठीक तो है ना? प्लीज उसका ध्यान रखना। यश जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तुमने तो मेरे कमरे के बाहर अपने लिए नो एंट्री की लक्ष्मण रेखा खींच ली है। मैं तो यहाँ आ सकता हूँ ना? अरे लेकिन चुपचाप यहाँ बैठो। चलो 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 आराम से। यश जी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, बैठो। चोट कैसे लगी दिखाओ पैर। नहीं, हमें कोई चोट नहीं लगी, हम बिल्कुल ठीक हैं। और यश जी आप प्लीज हमारे पैरों को हाथ मत लगाइए। तू दूर जाइए, आप दूर जाइए। अंजलि तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं कोई बीमारी हूँ जो तुम्हारे पास आया तो तुम्हें लग जाएगी। नहीं लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। आपकी रिचा से लड़ाई हुई है क्या? वो बहुत गुस्से में रोते हुए यहाँ से चली गई और अब हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। मेरी तो रिचा से कोई लड़ाई नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। और ये भी हो गया। थैंक यू यश जी। उठने लगी दीवारे, पूछते हैं रातों से ये जागते नयन, पूर्ण होगी कामना या लगेगा ग्रहण। कुंडली मिलन, कुंडली मिलन, कुंडली मिलन। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंजलि को मरने नहीं दूंगी। मैं अंजलि को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। रिचा को पता चल गया है कि अंजलि 90 दिन में मर जाएगी। आप लोगों को कुछ भी करके अंजलि और रिचा को मिलने से रोकना है। अब क्या करेंगे ताईजी? वो भी करना है, जल्दी करना होगा। अंजलि, अंजलि, एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।